हमारे चैनल टिकटल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस को दबाएं और लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले टिकटल पे देखिए। फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इमेजेस को फ्लिप कर सकते हैं, कैसे आप अपने इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं और कैसे आप अपने इमेजेस को जॉइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन तीन ऐप यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ फॉर इंडिविजुअल पर्पसेस, सब अपने इंडिविजुअल वर्क के लिए काम आएंगे। तो पहला जो अपना ऐप है वो है इमेज फ्लिप ऐप, इसके मैं खोल लेते हैं इसे अपन। आपको इसमें क्या करना होगा, जो प्लस बटन देख रहा है यहाँ से आप कोई भी इमेज ऐड कर पाएंगे। ओके, उसके बाद जब इमेज आप जैसे ही ऐड करेंगे तो इमेज फ्लिप हो जाएगा। ओके, जैसे ही इमेज फ्लिप होगा आप यहाँ पे जो डाउनलोड का ऊपर बटन दे रखा है राइट साइड में अप टॉप में, आप वहाँ से उसे क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई इमेज फ्लिप करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है, ये देखिए इमेज ये फ्लिप हो गया है। अब ये इमेज आपको उल्टा दिखने लग गया होगा, तो अब आप ये जैसे इमेज फ्लिप हो गया, इसको आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इमेज फ्लिप। अब अपन देखते हैं कि इमेज को जॉइन कैसे कर पाते हैं। तो इस ऐप का नाम है ज़ोमोड्रॉइड। अपन देखते हैं, पहले आपको इमेज ऐड करनी पड़ेंगी, दो इमेजेस जिसे आप जॉइन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये इमेज है, ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, तो अपन इनको ही ज्वाइन कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जैसे इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं वर्टिकल, तो हम हॉरिजॉन्टल ज्वाइन करेंगे। अब मैं कंबाइन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये अपने ऐड मार्जिन रीसाइज, ठीक है ये एकदम। इसको अपन सेव कर लेते हैं, सेव, ठीक है ये सेव हो गया है। अब अपन पीछे जाके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारे गैलरीज में। ये देखिए ये इमेज ज्वाइन हो गया आपके सामने एकदम परफेक्टली। ये दो इमेजेस थे जिनको ज्वाइन करके एक सिंगल इमेज बन गया, ये देखिए। तो इस तरह से आप इमेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केसेस अगर आपको इमेज ब्लेंड करना है, तो ये इमेज ब्लेंड का है अल्टीमेट फोटो मिक्सर। ये इमेजेस, दो इमेजेस को ब्लेंड कर देता है, तो आप यहाँ से ये परमिशंस जो भी मांग रहे हैं उन्हें अलाउ कर दीजिए। और जो भी फ़ोटोज़ आप देना चाहते हैं, तो अगर आप कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैकग्राउंड रख लीजिए। अब यहाँ से आप फ़ोटोज़ ऐड करना चाहते हैं, तो गैलरी से फ़ोटो ऐड कर लीजिए, कोई भी दो फ़ोटोज़ ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया, एक तो ये फ़ोटो ले लिया मैंने, ओके ये देखिए दोनों इमेज ब्लेंड हो गई है, देख पा रहे होंगे आप, देख रहे हैं। ये देखिए, इससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ को ज़्यादा कम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि किस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप टिक कर दीजिए। सेविंग इमेज बता रहा है, इमेज आपका सेव हो चुका है। तो ये है कि आप कैसे इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं, कैसे इमेजेस को जॉइन कर पाएंगे और कैसे आप इमेजेस को अपना फ्लिप कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें अपने सीखी इस वीडियो में। तो यही था हमारा वीडियो कि कैसे आप अपने इमेजेस को ब्लेंड, जॉइन या फ्लिप कर सकते हैं। तो इन तीनों ऐप्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन तीनों ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले से, और इस तरह से आप अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए और लेके आएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।